जहां जेजेपी और इनेलो के एक होने की चर्चाओं के बीच अभय चौटाला और अजय चौटाला के बयानों पर जेजेपी के महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिनकी 40 साल की राजनीतिक सकारात्मक सोच रही, उन्होंने सच्चे मन से और सकारात्मक सोच से साफ बयान दिया। जेजेपी और इनेलो के एक होने की चर्चा के बीच अजय चौटाला और अभय चौटाला के बयानों पर जेजेपी प्रदेश महासचिव दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा चौधरी अभय सिंह चौटाला पर जहरीले बयान देने का आरोप लगाया। वहीं दिग्विजय ने कहा कि इन बयानों से साफ है कि किसकी नकारात्मक सोच है और किसकी साफ सोच है। इससे सब साफ है कि किसने पार्टी से उन्हें बाहर फेंका और गद्दारी की। विपरीत परिस्थितियों में फिर उठ खड़े होने का हौसला चौधरी देवीलाल जी हमें देकर गए हैं, कोई बात नहीं। नेचुरली जब प्रदेशाध्यक्ष छोड़ करके जाता है तो उस बात के लिए करके चिंतन करना होता है, वो पार्टी के अंदर हो रहा है और नए लोगों को अहम जिम्मेवारियां मिलेंगी, मजबूती से आगे बढ़ेंगे। जो छोड़ करके गए हैं उन निशान सिंह जी की एक बहुत बात मुझे अच्छी लगती थी, वो कहते थे जात से बड़ी जमात होती है, तो जमात बड़ी है, जमात मजबूत है, जेजेपी मजबूत। निशान सिंह द्वारा पार्टी को अलविदा कहे जाने के सवाल पर दिग्विजय ने कहा कि निश्चित तौर पर जब पार्टी का अध्यक्ष छोड़कर जाता है तो पार्टी में चिंतन होता है और वह पार्टी कर भी रही है। उन्होंने कहा कि निशान सिंह खुद कहा करते थे कि जात से बड़ी जमात होती है और जमात से बड़ी है, जमात मजबूत है, जेजेपी मजबूत है। वही इनेलो और जेजेपी के एक होने पर दिए गए अजय चौटाला और अभय चौटाला के बयानों पर बात करते हुए दिग्विजय ने कहा है कि जिनकी 40 साल की राजनीतिक सोच सकारात्मकता वाली अच्छी सोच है, उसी को दर्शाते हुए एक अच्छा बयान दिया, लेकिन जिनकी पहचान गलत रही, नकारात्मक रही है, जहरीली रही है, उन्होंने जहरीला बयान दे दिया। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया था, उनकी सकारात्मक सोच, उनकी राजनीतिक सकारात्मकता, उनकी जो पहचान रही है पिछले 30-40 सालों की, उसी को दर्शाते हुए उन्होंने एक और अच्छा बयान दिया। और जिनकी गलत पहचान रही है, नकारात्मक रही है, जहरीली रही है, उन्होंने जहरीला बयान दे दिया उसमें। तो ये बता रहा है कौन पाक पवित्र है, कौन जो है ना साफ मन का है, किसके मन में साफ नियत है और किसके मन में जहर है, किसने पार्टी से उन्हें निकलवाया, बाहर फेंका और गद्दारी की। बहरहाल दिग्विजय ने कहा कि पार्टी इन नवरात्रों में ही लोकसभा उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट तैयार कर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। जेजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह उम्मीदवार घोषित कर दिया है। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।